मुझे तो याद ही नहीं रहा। शुएब ने कहा है कि इसे ना मोहब्बत बूटी कहते हैं, जैसे कोई इसके साथ गुजरता है ना उसको चिपक जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जो हमारे तमाम प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं या दुख और तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और हमारी भी यही दुआ होती है कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो हमें देखने वाले हैं तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज भी कुछ ख़ास व्लॉग है, तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि अभी हम बाहर आए हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ी सी यहाँ लकड़ियाँ बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो प्यारे व्यूअर्स आप देख सकते हैं आज खाला भी बह रहा है, पानी भी चल रहा है, तो मौसम भी कुछ ठंडा है, तो शाम का टाइम होने वाला है। तो आपने हमारी वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलते हैं कुछ लकड़ी बनाते हैं। फातिमा भी हमारे साथ है, ये हस्ती बहुत है और बोलती नहीं है। तो यार आप देख सकते हैं दो दो खाले बह रहे हैं हमारे गांव में, तो बहुत ही अजीब खाले देख सकते हैं आप, तो देख हरियान हो जाएंगे। तो दो दो खाले कैसे बह रहे हैं, एक इधर से एक उधर से बह रहा है। पानी बहुत ठंडा है, आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी पानी जा रहा है और उधर से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो खेतों को लग रहा है। तो फातिमा ऊपर चढ़ के अम्मी के पास जा रही है, तो मैं पानी को हाथ लगा के देखता हूँ कैसा है। माशाल्लाह से बहुत ही ठंडा है, तो चलते हैं अम्मी के पास। तो आज हम जहाँ लकड़ी बनाने के लिए आए हैं, काफ़ी सारी यहाँ लकड़ी सूखी पड़ी हैं, कुछ चुनेंगे और बनाएंगे। तो पहले भी हम अक्सर आते हैं यहाँ लकड़ी बनाने के लिए। तो आओ शुएब बेटा लकड़ी इकट्ठी करते हैं। यहाँ देखो यहाँ बहुत सारी पड़ी हैं, इनमें से जो ज़्यादा सूखी हुई है ना वही निकाल लेते हैं। तो भी बात आप देख सकते हैं हम लकड़ी इतनी नहीं है, थोड़ी हैं, तो यहाँ से हल वगैरह मार गए हैं, क्योंकि बकरियाँ वाले आए ना, बकरियाँ चरा के चले गए हैं और फिर पीछे से उन्होंने हल लगा दिए हैं। तो हल्की हल्की लकड़ियाँ हैं, कुछ देखते हैं थोड़ी सी तो बनी जाएंगी। अम्मी आप देख सकते हैं मेरे साथ क्या हो गया है, आपको भी हो गया होगा, देख सकते हैं आप, दिखाओ इधर। हाय ये क्या हुआ तुम्हें, हम तो लकड़ी चुनने आए गए। मैं भी लकड़ी इकट्ठी कर रही थी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इधर, देखो मेरे साथ क्या हुआ है। अब तो मुझे भी। हमारे साथ ये मसला बन गया है, सिर सारे कपड़ों को ये चिपक गए हैं, अब क्या होगा शुएब, चलेंगे कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ सोचने हैं। हमने ध्यान नहीं दिया ना, हम तो अपनी लकड़ियों के, जैसे कि हम लकड़ियां चुन रहे थे इधर से, हमने ध्यान भी नहीं दिया कि ये भी चिपक जाती हैं कपड़ों को। अब क्या होगा, ये तो मुझसे तो फातिमा को देखो, इतने सारे चिपक गए हैं। नहीं अब ये सोचना है कि इसको उतारेंगी कैसे, हमको तो हमसे तो चला भी नहीं जा रहा, ये कपड़ों के ऊपर चिपके हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं किसी जगह पर बैठ के, फिर सोचते हैं कि इसे कैसे उतारेंगे।
हम तो लकड़ियाँ चुनने के लिए गए थे और हमें इधर से ध्यान भी नहीं रखा कि ये भी कोई चीज़ होती है जो कपड़ों को चिपक जाती है। और शुएब बेटे हाथ से मत उतारो, देखते हैं मतलब हाथ में लग जाएंगे, फिर ज़ख्म हो जाएगा। तो ये हमारे साथ बहुत ही बड़ा मसला बन गया है। अब हमने लकड़ी वगैरह भी नहीं, वहाँ जो चुनी थी वहीं पर रख दी हैं, बाद में उठा लेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको तो उतारें, ये कैसे अब पता नहीं, देखते हैं किस चीज़ के साथ इसको उतारे जाते हैं। हाथ लगाते हैं तो हाथों में चुभ जाते हैं, तो इसलिए अब जाकर शुएब बेटा और मैं वहाँ बैठकर देखते हैं कि कैसे इन्हें उतारा जाता है। शुएब बेटा कैसा लग रहा? शुएब को तो बिल्कुल भी कम लगे हुए हैं, देखिए मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा लगे हैं और फातिमा को भी थोड़ा कम लगे हैं। वैसे हमें इसके बारे में हंसते भी नहीं है नहीं, हमें इसके बारे में पता नहीं था ना, हमने इसे ध्यान नहीं दिया। वैसे ये हमारे इलाके में होते बहुत ज़्यादा हैं, मगर हमने ध्यान नहीं दिया, हम तो अपनी लकड़ियों में थे। जैसे कि हमने सोचा कि जल्दी जल्दी लकड़ियाँ चुन के घर जाएं, तो ये तो अचानक से चिपक गए हैं। अब देखते हैं वहाँ बैठ कर तो इन्हें कैसे उतारे। इसके साथ ना ये जो चिपके हुए हैं सब उतर जाएंगे। शुएब बेटा तुम भी उतारो ऐसे कपास को, इकट्ठी करके ना ऐसे लगानी है। देखो ये कपास के ऊपर सब चिपकते जा रहे हैं। वैसे लोग इसे, हमने बहुत ज्यादा सुना है कि लोग इसे ना मोहब्बत, हाँ मोहब्बत बूटी कहते हैं। मुझे तो याद ही नहीं रहा शुएब ने कहा है कि इसे ना मोहब्बत बूटी कहते हैं। जैसे कोई इसके साथ गुजरता है ना उसको चिपक जाती है। हंसी तो मुझे इस बात की आ रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, शुएब बेटे को तो बहुत ज्यादा कम है। शुएब मैं कैसे उतारूंगी इन्हें, तुमने तो सारे उतार भी लिए हैं, तुम्हारे तो बहुत ज्यादा थोड़े से थे लगे हुए, मेरे पास तो बहुत मैंने ज्यादा तो कहा था आपको वहीं नहीं जाना। मुझे क्या पता, मुझे पहले बताते ना कि यहाँ ये बूटी भी होती है जो तुम्हें याद थी, मोहब्बत बूटी। क्योंकि हमें तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, बस इतना ही पता था कि ये कांटों वाली एक बूटा होता है, तो ये नहीं पता था कि इसको मोहब्बत बूटी कहते हैं। अगर ऐसे में पहले हमें पता होता ना कि ये मोहब्बत बूटी कहते हैं तो हम इसके सामने से साथ से गुजरते भी नहीं। और क्योंकि हम तो लकड़ियाँ पहले यहाँ हमारे इलाकों में ना ये कांटों वाली होती है, इनके चारों तरफ से भी कांटे होते हैं, ये कहीं से भी चिपक जाती है, इतना तो पता था, मगर ये नहीं पता था कि इसको मोहब्बत बूटी भी कहते हैं। क्योंकि हम लकड़ियाँ चुनते चुनते थोड़ा आगे चले गए और बातें कर रहे थे शुएब बेटा और फातिमा में, और इधर से हमने ध्यान भी नहीं दिया कि ये हमें चिपक जाएगी। आपने तो उठा लिया इसे हंसी बहुत ज़्यादा आती है। तो शुएब बेटे ने भी सारे कपड़ों से उतार दिए हैं और फातिमा ने भी, क्योंकि मुझे हंसी तो इस बात की आ रही है और थोड़ा मुझे ना इस मोहब्बत बूटी से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, सिर्फ चिपका दूँ शुएब ने डर गया है कि तुम्हें दोबारा चिपक जाएंगे मेरे कपड़ों से। इसको ना हम अपनी ज़बान से लेधा बोलते हैं, इनके ना चारों तरफ से सारे कांटे होते हैं, देख सकते हैं आप। तो मैंने ना शुएब को इधर से डराया है तो ये फिर दोबारा से डर गया है, कहने लगा फिर मुझे दोबारा चिपक जाएंगे। तो हमें इस बारे में, क्योंकि इसको मोहब्बत बूटी बोलते हैं, मैं तो अहमदाबाद इस मोहब्बत बूटी के सामने से भी नहीं गुजरूंगी। क्या तुम गुजरोगे? नहीं नहीं मैं नहीं गुजरूंगी। फातिमा को चिपका देते हैं नहीं, नहीं। आज भी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो वीडियो के आखिर में भी मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, वो जिस दुख और तकलीफ़ में है तो अल्लाह ताला उनसे निजात दे और हमेशा बुज़ुर्गों का साया उन पर कायम रखे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दोबारा चिपका दूँ।